हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज मैं आपके सामने स्टार्ट करने वाला हूं बेसल फंक्शन के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। ये स्पेशल फंक्शन का पार्ट होता है और इस पे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। इससे पहले मैं जो बेसल फंक्शन के रेकरेंस रिलेशन है इस पे मैं क्वेश्चंस बता चुका हूँ और अब मैं आज न्यूमेरिकल लेने वाला हूँ इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पे। देन उसके बाद आपके सामने मैं लेके आऊँगा ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ द बेसल फंक्शन। स्टूडेंट, मेरे जो पुराने सभी वीडियोस हैं उनकी प्लेलिस्ट यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। सो स्टूडेंट, आप यहाँ पे आईटेप पे जाके मेरे पुराने सभी वीडियोस को देख सकते हैं जो इससे रिलेटेड है। और देखिए आप इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। सो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, शो दैट आपको यहाँ प्रूव कर रहा है जे वन बाई टू एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट टू बाई पाई एक्स साइन एक्स, जे माइनस वन बाई टू एक्स टू अंडर रूट टू बाई पाई एक्स कॉस एक्स, और आपको ये दोनों का स्क्वायर आपको प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू टू बाई पाई एक्स होगी। तो हम स्टूडेंट जानते हैं यहाँ पे कि जो जे एन एक्स का फार्मूला होता है वो ये होता है, मैंने आपको बताया था बेसल फंक्शन का फार्मूला। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम खोलेंगे यहाँ पे। तो जे एन एक्स यहाँ पे आर इज इक्वल टू जीरो रखेंगे, तो आर इज इक्वल टू जीरो रखेंगे इसकी वैल्यू वन आएगी। यहाँ पे जीरो फैक्टर भी वन होता है, देन यहाँ पे आएगा ये गामा एन प्लस वन, देन यहाँ पे आर की जगह जीरो रखोगे तो ये आएगा एक्स पावर एन अपॉन टू पावर एन प्लस, फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे आर की जगह वन रखेंगे, तो जिसे वन रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये माइनस हो जाएगा बिकॉज माइनस वन पावर वन, और ये वन फैक्टोरियल हो जाएगा और ये हो जाएगा गामा एन प्लस टू हो जाएगा। देन यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन टू पावर एन प्लस वन प्लस, मैं वापस एन की आर की जगह टू रखूँगा तो स्टूडेंट यहाँ पे प्लस हो जाएगा डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल एन प्लस थ्री गामा, है ना, गामा एन प्लस थ्री हो जाएगा ये, है ना, डिवाइडेड बाय एक्स पावर एन प्लस टू अपॉन टू पावर एन प्लस टू, इस तरह से ये चलता रहेगा, राइट। फिर हम क्या करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, अब एक्स पावर एन टू पावर एन, पहली बात तो मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर ही देता हूँ यहाँ पे। सो जे एन एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे, वन अपॉन गामा एन प्लस वन, है ना, एक्स पावर एन अपॉन टू पावर एन प्लस, यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट, सॉरी माइनस, यहाँ पे इसको मैं एक्स पावर ये जो आ रहा है वन अपॉन गामा एन प्लस टू, इसको मैं लिख सकता हूँ गामा एन प्लस वन इंटू गामा, यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं गामा एन प्लस वन इंटू, या इसको आप लिख सकते हैं एन प्लस वन गामा एन प्लस वन, बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। और ये आएगा आपके पास एक्स पावर एन अपॉन टू पावर एन एक्स बाई टू, मैंने एक्स बाई टू अलग निकाल दिया यहाँ पे, ये आएगा आपके पास वन अपॉन टू फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं यहाँ पे, टू फैक्टोरियल लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिख सकते हैं अपन लोग यहाँ पे एन प्लस टू एन प्लस वन गामा एन प्लस वन, और यहाँ आ जाएगा ये एक्स पावर एन अपॉन टू पावर एन एक्स स्क्वायर अपॉन टू स्क्वायर, इस तरह से ये चलता रहेगा यहाँ पे। स्टूडेंट यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा, देखिए आप लोग जे एन एक्स इज इक्वल टू गामा एन प्लस वन एक्स पावर एन टू पावर एन कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ बचा वन माइनस वन अपॉन गामा एन प्लस वन एक्स बाई टू प्लस, यहाँ पे आ रहा है ये टू फैक्टोरियल, है ना, एन बाय एन प्लस टू एन प्लस वन, है ना, और ये आ रहा है आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन टू स्क्वायर, इस तरह से हमारे पास ऐसी वैल्यू जाएगी, राइट। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए आप लोग यहाँ पे, सो इस तरह से हम इसको यहाँ पे इस तरह से वैल्यू निकालेंगे हम, देन हम क्या करेंगे, आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, यहाँ पे वन बाय टू आ रहा है ना, सो टू पावर एन हमने बाहर निकाल दिया, है ना, गामा एन प्लस वन बाहर निकाल देते हैं, यहाँ बनेगा आपके पास एन प्लस वन, राइट, और यहाँ पे ये आएगा एन प्लस टू, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे हमने क्या रखा है एन की जगह आर की जगह क्या रखा है यहाँ पे, यहाँ तो एन प्लस टू आ रहा है, तो स्टूडेंट जैसे ही हम आर की जगह जीरो रखेंगे तो ये आएगा, देन आर की जगह वन रखेंगे तो यहाँ पे टू आएगा, सॉरी, है ना, ये टू आएगा, और जब यहाँ पे थ्री रखेंगे, है ना, जैसे आर की जगह वन रखा टू रखेंगे तो यहाँ आएगा ये फोर, यहाँ पे भी आएगा ये फोर, है ना, तो स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन बन रहा है, तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन फोर आएगा और यहाँ पे आएगा आपके पास ये एक्स क्यूब अपॉन लाइक एट लिख देंगे, है ना, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर और टू पावर टू स्क्वायर होगा, देन एक्स पावर फोर टू पावर फोर होगा, सो एक्स पावर फोर आएगा, है ना, दिस इज एक्स पावर फोर एंड यहाँ पर सिक्सटीन लिख देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, है ना, सो ये आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे अपन वैल्यू रखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन फोर लिख दीजिए आप इसको, और वहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आएगी वो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ फोर स्क्वायर, है ना, देन यहाँ पे आप टू फैक्टोरियल लिख दीजिए, है ना, क्योंकि टू फैक्टोरियल तो आ ही रहा था हमारे पास यहाँ पे, है ना, ये टू फैक्टोरियल इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू, एंड देन इस तरह से आगे चलता रहेगा स्टूडेंट, ये एक्स पावर फोर है। नाउ अब हमें जो प्रूव करना है वो यहाँ आते हैं, हमें यहाँ एन की जगह कितना रखना, देखिए आप पुट एन इज इक्वल टू वन बाई टू, तो जैसे एन की जगह आप क्या रखोगे 1 बाई टू रखोगे तो स्टूडेंट क्या होगा यहाँ पे, जैसे 1 बाई टू रखोगे तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, गामा 3 बाई टू हो जाएगा यहाँ पे, है ना, तो ये आएगा गामा 3 बाई टू, है ना,
क्योंकि वन बाई टू प्लस वन होगा, है ना, देन ये आएगा आपके पास एक्स पावर वन बाई टू, देन ये आएगा टू पावर वन बाई टू, है ना, देन वन माइनस वन अपॉन फोर, ये आएगा वन बाई टू, तो इसको मैं लिख दूँ यहाँ पे थ्री बाई टू इंटू एक्स स्क्वायर, देन माइनस वन अपॉन फोर स्क्वायर टू फैक्टोरियल, मैं यहाँ पे वन बाई टू रखूँगा तो स्टूडेंट ये आएगा थ्री बाई टू, और यहाँ भी वन बाई टू रखूँगा तो स्टूडेंट ये आएगा फाइव बाई टू इंटू एक्स पावर फोर, चलता रहेगा ऐसे, है ना। अब आप सॉरी दिस इज माइनस और ये प्लस आएगा और यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा, ऐसा अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा आपके पास, राइट। अब देखिए आप थोड़ा सा हमें करना पड़ेगा लाइक जे पावर वन बाय जे वन बाई टू एक्स, है ना, गामा थ्री बाई टू, तो स्टूडेंट गामा थ्री बाई टू को क्या लिख सकते हैं अपन, वन बाय टू गामा वन बाई टू लिख सकते हैं, और ये जो वैल्यू आएगी ये कितना आएगा मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स बाय टू पावर वन बाई टू, हमें चाहिए, हमें यहाँ पे x बाई टू पावर वन बाई टू नहीं चाहिए, उसका उल्टा चाहिए, है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मैं काम करता हूँ x x को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ ना, तो जैसे मैं x को नीचे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ और मुझे ऊपर 2 भी चाहिए, है ना, तो ये तो 2 ऐसे भी यहाँ से मिल जाएगा मेरे को, तो ठीक है, आपको x को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है ध्यान देने वाली बात है, है ना, ये इससे कैंसिल करेंगे तो स्टूडेंट क्या होगा यहाँ पे 2 बचेगा, तो 2 और 3, तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 3 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे आप कैंसिल हो रहा है 2 2 4 कैंसिल हो रहा है ना, तो यहाँ कितना बचेगा आपके पास 4 2 3, तो स्टूडेंट ये आपके पास आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, है ना, एक्स पावर 4, इस तरह से चलता रहेगा, राइट। अब आपने एक्स को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया और स्टूडेंट ये 2 है, तो यहाँ पे आपके पास कितना बचेगा ध्यान दीजिए इधर, जे वन बाई टू एक्स इज इक्वल टू, ये तो हो जाएगा आपके पास रूट पाई, गामा वन बाई टू रूट पाई होता है ना, और यहाँ पे आपके पास ये आधा वन बाई टू पावर एक्स, मैं इस एक्स को अंदर ले रहा हूँ स्टूडेंट, इस एक्स को मैं अंदर ले रहा हूँ, तो ये एक्स हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस एक्स फाइव अपॉन फाइव फैक्टोरियल, ऐसा चलता रहेगा, ये माइनस आएगा यहाँ पे, देन ये एक्स जो है स्टूडेंट ये इस हाफ एक्स से एक्स कैंसिल होगा, तो यहाँ बचेगा एक्स की पावर वन बाई टू, देन यहाँ पे ये जो टू है ये इसको कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पे ये टू हाफ बचेगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो टू की पावर हाफ होगा, यहाँ पे वन ऑलरेडी है ये आपके पास, और स्टूडेंट मैं इसको ढंग से लिखता हूँ यहाँ पे, तो जे वन बाई टू एक्स, और स्टूडेंट इसकी जो वैल्यू आएगी आपके पास वो आएगी टू अपॉन एक्स पाई का अंडर रूट, और स्टूडेंट ये जो सीरीज होती है किसकी सीरीज होती है साइन एक्स की सीरीज होती है, तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे क्या करते हैं प्रूव करते हैं, और आपने अभी ये वाला देखा आपने, हम इस तरह से इस क्वेश्चन को यहाँ पे क्या करेंगे प्रूव करेंगे। अब मैं आपके सामने क्या करूँगा स्टूडेंट, इस कॉस एक्स का जो सेकंड पार्ट है उसको हम प्रूव करेंगे ना, तो देखिए उसको हम कैसे करते हैं। सो स्टूडेंट देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है उसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, तो सेकंड पार्ट में यहाँ तक तो वही करना है, फिर आपको क्या करना है पुट एन इज इक्वल टू क्या करेंगे अपन माइनस वन बाई, जैसे हम प्लस वन बाई टू रखा था यहाँ पे क्या रखेंगे माइनस वन बाई टू रखेंगे, तो आप माइनस वन बाई टू रखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे जे माइनस वन बाई टू एक्स, है ना, यहाँ से बिल्कुल वो डिक्टो वहाँ तक तो सेम चलेगा, है ना, फिर एन की जगह माइनस वन बाई टू रखेंगे, तो माइनस वन बाई टू रखेंगे कितना आएगा गामा माइनस वन बाई टू प्लस वन, देन ये आएगा एक्स की पावर माइनस वन बाई टू, टू की पावर माइनस वन बाई टू, है ना, 1 माइनस वन अपॉन फोर, और ये माइनस वन बाई टू प्लस वन तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट 1 बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन फोर स्क्वायर टू फैक्टोरियल, माइनस वन बाई टू करेंगे तो ये 1 बाई टू बचेगा, और यहाँ माइनस वन बाई टू करेंगे तो यहाँ 3 बाई टू बचेगा एक्स पावर फोर माइनस, इस तरह से आएगा, राइट। अब देखिए आप यहाँ पे हो क्या रहा है जे माइनस वन बाई टू एक्स इज इक्वल टू, यहाँ बचा गामा वन बाई टू, और गामा वन बाई टू के लिए स्टूडेंट रूट पाई होती है, ये टू की पावर माइनस वन, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा टू की पावर वन बाई टू, और ये इसको मैं नीचे लेके आ जाता हूँ तो ये एक्स की पावर वन बाई टू, राइट। सो वन माइनस स्टूडेंट ये टू कैंसिल हुआ, तो मैं लिख सकता हूँ इसको एक्स स्क्वायर अपॉन टू, तो टू फैक्टर लिख दिया मैंने यहाँ पे, प्लस ये आएगा एक्स पावर फोर, और स्टूडेंट ये टू फोर, है ना, एक फोर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कितना बचेगा स्टूडेंट ये थ्री टू फोर, तो ये हो जाएगा फोर फैक्टोरियल, इस तरह से बचेगा स्टूडेंट, मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ यहाँ पे, तो ये आएगा मेरे पास, इसको लिख सकता हूँ मैं टू अपॉन पाई एक्स का अंडर रूट, है ना, और ये जो सीरीज होती है किसकी सीरीज होती है स्टूडेंट कॉस एक्स की सीरीज होती है ना, तो ये हमारा क्या होगा सेकेंड पार्ट प्रूव होगा। अब देखो यहाँ फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, सेकंड पार्ट प्रूव हो गया, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, लाइक ये फर्स्ट पार्ट है और ये क्या है सेकंड पार्ट है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड पार्ट का स्क्वायर, जैसे इसको हम स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा जे वन बाई टू एक्स का स्क्वायर प्लस जे माइनस वन बाई टू एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो स्टूडेंट ये कितना आएगा टू अपॉन पाई एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 2 अपॉन पाई एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, स्टूडेंट यहाँ पे 2 अपॉन पाई एक्स बाहर आ जाएगा तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 2 अपॉन पाई एक्स आएगी, तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे क्या करते हैं प्रूव करते हैं। अब नेक्स्ट मैं आपके सामने दूसरे क्वेश्चंस लेता हूँ।
सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे आप ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रूव दैट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स जे एन एक्स जे एन प्लस वन एक्स इज इक्वल टू, आपको इसकी वैल्यू प्रूव करनी है, तो इसकी जो मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, या इसकी वैल्यू नॉर्मली प्रूव करने के लिए पूछ ली जाती है कि ये इसकी वैल्यू आएगी एक्स जे एन स्क्वायर माइनस जे एन प्लस वन स्क्वायर, है ना, आपको इसकी वैल्यू प्रूव करने के लिए इस तरह से पूछी जाए। तो स्टूडेंट कैसे करेंगे हम यहाँ पे, ध्यान दीजिए आपको प्रूव करना है डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, तो मैं इसका एल एच एस लूंगा। अब एल एच एस में तीन फंक्शन है, एक ये है एक ये है एक ये, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तीन में से किसी एक का करेंगे, दो को छोड़ेंगे। तो मैंने इस एक्स का डिफरेंशिएशन किया, इन दोनों को छोड़ा, प्लस अब एक्स और इसको छोड़ा और इसका किया, है ना, तो जे एन डैश जे एन प्लस वन हो जाएगा, है ना, फिर इन दोनों को छोड़ा और इसका किया, लाइक है ना, आप जब अल्टीमेटली हमारे पास डिफरेंशिएशन में यू इन टू वी में क्या होता है, एक को छोड़ते हैं एक का करते हैं, जब तीन होता तो हम दो को छोड़ते हैं एक का करते हैं, राइट। तो ये वाला इस तरह से हम करेंगे। अब देखो ये जे एन प्लस वन तो इजीली लिख दिया, अब ये एक्स को इसके साथ फिक्स करके लिख दिया, नाउ जे एन को अलग करके इसको एक्स के साथ लिख दिया। अब स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, मेरा जो पुराना वाला वीडियो था जहां पे मैंने रिकरेंस रिलेशन आपको बताया था, तो उसमें थर्ड और फोर्थ नंबर का रिकरेंस रिलेशन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो थर्ड रिकरेंस रिलेशन हमारे पास ये होता है एक्स जे एन डैश इज इक्वल टू एन जे एन माइनस एक्स जे एन प्लस वन, और जो थर्ड फोर्थ वाला था वो था एक्स जे एन डैश इज इक्वल टू माइनस एन जे एन प्लस एक्स जे एन माइनस वन। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको एक वैल्यू यहाँ पे इसकी वैल्यू उठा यहाँ रखेंगे, और यहाँ पे जे डैश एन प्लस वन है, तो सेकंड जो थर्ड वाला है वहां पे एन की जगह क्या रखेंगे, एन प्लस वन, तो ये एन की जगह एन प्लस वन रखा, तो ये वैल्यू उठा के हम यहाँ रखेंगे और ये वैल्यू उठा के हम यहाँ रखेंगे। तो स्टूडेंट क्या होगा, ध्यान दीजिए, अपन जे एन जे एन प्लस वन प्लस इसकी वैल्यू मैं उठा के यहाँ रखूंगा, तो ये आएगा एन जे एन माइनस एक्स जे एन प्लस वन इंटू जे एन प्लस वन प्लस जे एन, और यहाँ पे ये वैल्यू उठा के मैं रखूंगा, तो स्टूडेंट कितना आएगा, माइनस का एन प्लस वन जे एन प्लस वन प्लस एक्स जे एन, मैं एक्स एक्स पीछे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना, जे एन प्लस वन प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा एन जे एन प्लस वन, मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का एक्स जे एन प्लस वन का स्क्वायर प्लस मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्चुअली ये माइनस आ जाएगा, तो माइनस एन जे एन जे एन प्लस वन, और ये इससे मल्टीप्लाई होता है माइनस का जे एन प्लस वन प्लस एक्स जे एन, ये जे एन का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो कुछ टर्म कैंसिल हो रही है स्टूडेंट, ये टर्म से ये टर्म कैंसिल हो रही है, ये टर्म से ये टर्म कैंसिल हो रही है, और यहाँ से आप देखेंगे इन दोनों से, तो यहाँ से x कॉमन आ रहा है, अंदर बच रहा है जे एन का स्क्वायर जे एन प्लस वन का स्क्वायर। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। मैं आपके सामने दो तीन क्वेश्चन और लेता हूँ इस टॉपिक के ऊपर। सो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे एक और क्वेश्चन, प्रूव दैट डी बाई डी एक्स ऑफ जे एन स्क्वायर एक्स प्लस जे एन प्लस वन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टू एन बाई एक्स जे एन स्क्वायर एक्स माइनस एन प्लस वन बाई एक्स जे एन प्लस वन स्क्वायर एक्स, है ना। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पे इसका एल एच एस लेंगे, एल एच एस हमने ये लिया, देन हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो स्टूडेंट टू आगे आएगा जे एन जे एन डैश हो जाएगा, ये भी टू आगे आएगा जे एन प्लस वन जे एन डैश एन प्लस वन आएगा। पिछले क्वेश्चन में जो हमने रूल यूज किया था वही हम यहाँ करने वाले हैं, जो थर्ड नंबर का रिकरेंस रिलेशन वो हम जानते हैं ये होता है। अब हमें यहाँ पे जे एन डैश की वैल्यू रखनी है, तो स्टूडेंट एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास मिलेगा, है ना। फिर हम हमारे पास जो फोर्थ वाला रिकरेंस रिलेशन वो ये होता है, यहाँ से हम क्या करेंगे एक्स को डिवाइड करेंगे और हमें यहाँ पे एन प्लस वन की वैल्यू रख दो, जहाँ पर एन है वहाँ एन प्लस वन रख देंगे, तो ये एन प्लस वन और यहाँ पे एन प्लस वन, तो एन हो जाएगा, है ना, और एक्स से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये मिलेगा, है ना। ये दोनों वैल्यू उठा के कहाँ रखेंगे, इसकी वैल्यू उठा के तो हम यहाँ रखेंगे और इसकी वैल्यू उठा के हम यहाँ रखेंगे, है ना, ठीक है। तो स्टूडेंट क्या होगा, ध्यान दीजिए, इधर टू जे एन, है ना, मैं लिखता हूँ थोड़ा सा टू जे एन, है ना, और जे एन डैश की वैल्यू हमारे पास कितनी है, एन बाई एक्स जे एन माइनस जे एन प्लस वन प्लस टू जे एन प्लस वन, और यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी आपके पास माइनस एन प्लस वन बाई एक्स जे एन प्लस वन प्लस जे एन, ठीक है। नाउ हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो टू आएगा यहाँ पे टू एन बाई एक्स जे एन स्क्वायर माइनस टू जे एन प्लस वन। नाउ इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो ये आएगा माइनस का 2n प्लस वन एक्स, है ना, ये आएगा j, ये 2 यहाँ रह गया ना, n प्लस वन जे एन प्लस, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 2 जे एन जे एन प्लस वन, राइट। अब देखो ये टर्म से ये टर्म हमारी क्या हो गई, कैंसिल हो गई, और यहाँ 2 कॉमन आ रहा, देखो आप 2 कॉमन आ रहा, और 2 कॉमन आ रहा तो ये क्या हो रहा है, n बाई एक्स जे एन स्क्वायर माइनस एन प्लस वन एक्स जे एन प्लस वन, तो
इस तरह से हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। एक कहीं मिस्टेक हुई मुझसे, अच्छा ये वाली जो वैल्यू थी ये जे एन प्लस वन थी, और यहाँ पे ये जो टर्म आएगी वो कितनी आएगी आपके पास, ये वाली, तो ये जे एन प्लस वन और जे एन प्लस वन आएगा यहाँ पे, तो ये आपके पास आएगा जे एन प्लस वन। तो इसको मैं स्क्वायर करके लिख देता हूँ, तो ये आएगा आपके पास जे एन प्लस वन का स्क्वायर। तो इस तरह से हम करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन लेता हूँ, फिर टॉपिक को हम फिनिश करते हैं। सो स्टूडेंट देखो, एक और क्वेश्चन यहाँ पे, प्रूव दैट एक्स क्यूब जे जीरो एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, आपको प्रूव करना है एक्स क्यूब जे वन एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर जे टू एक्स प्लस सी। सो हम जानते हैं फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन हमारा ये होता है एक्स पावर एन जे एन एक्स डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर एन जे एन माइनस वन एक्स। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहाँ पे एन की जगह वन रखेंगे, तो एन की जगह वन रखेंगे तो क्या आएगा, डी बाई डी एक्स एक्स जे वन एक्स इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पे एन की जगह वन रखेंगे तो जे जीरो एक्स हो जाएगा। एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं यहाँ पे पुट एन इज इक्वल टू 2 भी रख लेते हैं, है ना, 2 रख लेते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, d by dx of यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे x square j2x is equal to x square j1x हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम इसको इंटीग्रेट करें, मैं अगर दोनों साइड में इसका इंटीग्रेशन करूँगा ना, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हट जाएगा, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी x square j2x is equal to x square j1x dx, है ना, क्योंकि इंटीग्रेशन से हट जाएगा, तो ये हमें रिलेशन काम आने वाला है, तो हम यूज करने वाला है। खैर अभी हम यहाँ करते हैं, हमने क्या, हम यहाँ क्या करेंगे, हम जानते हैं यहाँ इनकी जगह हमने वन रख दिया। अब स्टूडेंट हमें यहाँ प्रूफ में क्या चाहिए, एक्स क्यूब चाहिए जे जीरो एक्स, तो स्टूडेंट जे जीरो यहाँ आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको एक्स क्यूब चाहिए तो एक्स स्क्वायर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर देंगे ना, तो मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन बाय एक्स स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो जैसे हम करेंगे तो स्टूडेंट मैं इस टर्म को इधर लिख रहा हूँ, तो ये आएगा एक्स क्यूब जे जीरो एक्स, और मैं क्या कर रहा हूँ इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, इट्स इक्वल टू ये आएगा एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स जे वन एक्स इंटू डी एक्स, राइट। तो इसको एज इट इज रहने दीजिए आप। नाउ इसको हम क्या करेंगे, आईलेट लगाएंगे, तो आईलेट कैसे लगाएंगे स्टूडेंट, सबसे पहले एक्स स्क्वायर को छोड़ा इसका करूँगा, तो क्या आएगा यहाँ पे, ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स जे वन एक्स, है ना, माइनस जिसको छोड़ा उसका क्या होगा डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे आएगा ये एक्स स्क्वायर, देन इसका वापस क्या होगा इंटीग्रेशन, है ना, तो ये आएगा एक्स जे वन एक्स डी एक्स प्लस का सी, राइट। तो देखिए स्टूडेंट, ये एक्स स्क्वायर और ये डी बाई डी एक्स इंटीग्रेशन कैंसिल हो गया, तो यहाँ आएगा ये एक्स जे वन एक्स, ठीक है, माइनस यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो स्टूडेंट ये आएगा टू एक्स, और ये इंटीग्रेशन से हट गया तो ये आएगा एक्स जे वन एक्स इंटू डी एक्स। तो स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा एक्स क्यूब जे वन एक्स माइनस ये आपके पास आ रहा है टू एक्स स्क्वायर जे वन एक्स और डी एक्स। तो स्टूडेंट देखो, यहाँ से मैंने बताया था एक्स स्क्वायर जे वन एक्स का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर जे वन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है। तो ये वैल्यू उठा के मैं कहाँ रखूँगा, इसकी जगह रखूँगा, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे यहाँ कर लेता हूँ, है ना, तो हमें हमने ये हम इसके बराबर चल रहे थे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्स क्यूब जे जीरो एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, हम यहाँ तक तो पहुँच ही गए, एक्स क्यूब जे वन एक्स माइनस इसकी जगह, है ना, ये वैल्यू, तो ये वैल्यू की जगह हम ये रख सकते हैं, तो मैं उठा के यहाँ रखूँगा, तो माइनस का क्या आएगा टू एक्स स्क्वायर जे टू एक्स आएगा। तो देखो आपका यही आ रहा है, प्लस का यहाँ पे क्या आएगा, ये सी आएगा, तो ये यहाँ पे प्लस सी चलेगा ना, कॉन्स्टेंट चलेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। सो स्टूडेंट, मैंने जो है प्रॉब्लम्स बताई आपको रिकरेंस रिलेशन पे बेस्ड बेसल पे, वो आपको समझ में आया होगा। स्टूडेंट मेरा जो नेक्स्ट आने वाला वीडियो है वो है ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ बेसल फंक्शन, और उस पर रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ। फिर उसके बाद हम चलेंगे लीजेंडरी पे, जिसके रिकरेंस रिलेशन है, और उसके बाद उसकी ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी, रोड्रिग्स फार्मूला और जनरेटिव फंक्शन के बारे में बात करेंगे। सो स्टूडेंट मेरे जो वीडियोस हैं वो आपको हेल्प कर रहे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और प्लीज़ आप कमेंट करते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, सो देट कि मैं आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट आपके लिए डेवलप करूँ। और ये जो आने वाला जो समर वेकेशन है, इसके अंदर मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा लाइक कंटेंट लेके आने वाला हूँ, लाइक कॉम्पिटिशन एग्जाम को लेके, कि जो स्टूडेंट आई डी जिम की तैयारी कर रहे हैं, सी एस एन एट की तैयारी कर रहे हैं, गेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए टॉपिक वाइज में जितने भी मैंने टॉपिक्स यहाँ पढ़ाए हैं उन सभी टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को कैसे हम शॉर्ट में सॉल्व करते हैं वो मैं आपके सामने बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ। सो स्टूडेंट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू।